नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि गौतम बुद्ध के पास क्यों आई थी अम्बुपाली। अम्बुपाली एक अति सुंदर नारी थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार व गर्व था। वह अपनी सुंदरता से लोगों को लुभाती थी। वह अपने सुंदरता और नृत्य के कारण दूर दूर तक उसकी कीर्ति यश दूर दूर तक फैला हुआ था। आइए जानते हैं अम्बुपाली क्यों आई थी गौतम बुद्ध के आश्रम में। चारिका करते हुए जब गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे तो वहां पे एक आम्रपाली नाम एक नर्तकी रहती थी, जो अपने नृत्य कला और सुंदरता के कारण दूर दूर तक उसकी कीर्ति फैली हुई थी। दूर दूर से महाराजा जमींदार उसके पास आते थे। आम्रपाली के पास एक बहुत बड़ा सुंदर अम्ब वन था, जिस पर उसे बहुत गर्व था। आम्रपाली गौतम बुद्ध पर मुग्ध थी, उसने उन्हें कभी देखा नहीं था। जब आम्रपाली को पता चला कि वैशाली में गौतम बुद्ध आए हुए हैं, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आम्रपाली ने गौतम बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया। गौतम बुद्ध ने भी मौन रहकर उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। एक दिन खूब श्रृंगार करके सज धज के आम्रपाली गौतम बुद्ध से मिलने गई। प्रवेश द्वार पे खड़े गौतम बुद्ध के शिष्य उसे देखकर पहचान गए कि वह एक वैश्या है। उन्होंने उसे गौतम बुद्ध के पास जाने नहीं दिया। जब गौतम बुद्ध को यह पता चला तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि उसे अंदर लेके आ जाएं। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा कि यहाँ पर अमीर गरीब, कोई ब्राह्मण शूद्र या वैश्या एक समान है। यहाँ पर कोई ऊंचा नीचा नहीं है। यहाँ पर कोई शूद्र नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। सबके लिए बराबर ही सम्मान माना जाता है। गौतम बुद्ध की तेजस्वी को देखकर आम्रपाली आश्चर्यचकित रह गई। आम्रपाली के मन के सारे कुविचार जाते रहे। उसने अपने सर को गौतम बुद्ध के चरणों में रख दिया। आम्रपाली का अब गर्व नष्ट हो गया। उसे सौंदर्य पर विश्वास नहीं रहा। आम्रपाली ने गौतम बुद्ध से क्षमा मांगी। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है तो क्षमा किस लिए। ऐसा सुनकर गौतम बुद्ध के चरणों में उसने नतमस्तक किया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।